हेलो गाइस, सत सत श्री अकाल, श्रीकाल, नमस्कार, नमस्कार, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लकी अरबी व्लॉग। मैं हाँ लकी मैं हूं तुम्हारा अपना विक्रमजीत जी। सिंह हाजिर हाँ दोस्तों, फिर थोड़े नाल एक नवी रिएक्शन वीडियो दे। नाल। सो गाइस, अज दी जो रिएक्शन वीडियो उन्दे विच पाक मीडिया इंडिया दे जो सिख ने उन्होंने प्रेज़ करता पाया, तारीफ करता पाया, क्योंकि इंडिया के सिखा ने जो कोविड का टाइम सी, सैकेंड वेव सी, इंडिया विच ऑक्सीजन खत्म हो चुकी सी ते लंगर लाए सी ऑक्सीजन दे, भावें लंगर होवे लंगर सिंपल खाण पीन दा या फिर होवे ऑक्सीजन दा, सिर्फ सिख कम्युनिटी, सिख धर्म ही लगा सकता है। ते उसी गल दे उत्ते अज डिस्कशन हो रही है। इत्थे पाकिस्तान दे एक एंकर है ते पाकिस्तान दे कोई स्पैशलिस्ट ने, नाम नहीं पता की इन्हां दा, ते जो आपां वीडियो शुरू करांगे उदों शायद नाम दा लग जाए पता की नाम इन्हां दा। ते आपां करदे हां वीडियो नूं शुरू। ते करते हैं वीडियो ना स्टार्ट। तो वीडियो के नाल नाल एक गल होर कहेंगे, साढ़े चैनल में सब्सक्राइब जरूर करो, तो नाल दी नाल बैल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि साढ़े वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुम्हें मिलन सब तो पहले। तो गाइस करते हैं असी वीडियो नू स्टार्ट। मगर ये पहला वाक्य है कि किसी कम्युनिटी ने ऑक्सीजन का लंगर लगा दिया। क्या बात है। अब हुकूमत में ऐसी बड़ी लॉबिंग हो रही है कि छोड़ो जी, तालिबान को छोड़ो, कश्मीरियों को छोड़ो, हम उनकी हमें जरूरत है, हमारी इकोनॉमी खराब है। आदत हो गई हमें खैरात की। हाँ जी, आदत हो गई। आदत क्या, एडिक्शन हो गई। अमरीकी मदद पे पलते रहे, अब चीन की तरफ देखते हैं। ओ भाई, कौम है दुनिया में, कभी किसी कौम ने दूसरी कौम पे बल पर तरक्की की है? लेकिन हारून साहब, कुरैशी साहब भी तो सच्चे इस बात में कि हमारे पास पैसे नहीं है कोरोना की वैक्सीन के लिए भी और सफारत कार के लिए भी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया भारत की कम्युनिटी की तारीफ करता थक नहीं रहा और ये बता रहा है कि भारत की कम्युनिटी ने तो ऑक्सीजन के लंगर लगा दिए हैं। भारत जिस चीज पे तारीफ बंदी करनी चाहिए थी से गुजर रहा है, भावे कोई भी कंट्री हो, ऑक्सीजन कोई भी कंट्री हो, कोई भी कम्युनिटी हो, जो भारत काम करता पे तारीफ होनी चाहिए। महामारी से लड़ने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि भारत के सिखों ने तो लंगर प्रथा के चलते हुए अब ऑक्सीजन के लंगर तक लगा दिए हैं और कई जगह भारतीयों ने ऑक्सीजन के कैंप लगा दिए हैं, जिससे हजारों लाखों लोगों को ऑक्सीजन की सुविधा दी जा रही है। इससे हॉस्पिटल्स पर भार कम पड़ रहा है। आज की वीडियो में सरवत वलीम और हारून और रशीद ने और क्या कहा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच। वो सिखों वाली बात मुकम्मल कर लें, तारीख का बड़ा दिलचस्प चैप्टर है। देखिए, गुरु नानक नए जात पात के बहुत खिलाफ थे, इसीलिए नए मजहब की उन्होंने बुनियाद रखी। वो जात पात के बहुत खिलाफ थे और लंगर उन्होंने शुरू किया इसलिए कि सब इकट्ठे बैठ कर खाना खाए और उसके सारे उन्होंने मैकेनिक्स तय किए कर दिए कि ऐसे सब लोग शरीक होंगे और कुछ लोग जो है वो जूते सीधा करेंगे वो इंकसारी पैदा करने के लिए और उसमें किसी को नहीं रोका जाएगा। वो जो उनके लंगर है वो सिखों के लिए नहीं होते, वो सभी के लिए, सभी के लिए, कोई भी बंदा। मगर ये पहला वाक्य है कि किसी कम्युनिटी ने ऑक्सीजन का लंगर लगा दिया। क्या बात। और जिनसे ये तवक्को थी, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, उन्होंने जेट किराए पे लिए, अरबपति लोग हैं और निकल खड़े, 50-50 करोड़ अमीर बंदे ने, बड़े बंदे ने, और कोई चला गया मालदीव, कोई चला गया यूरोप, कोई चला गया जहां, अब उन्हें गालियां पड़ रही हैं। प्रैक्टिकल मिस्र ने, बहरीन ने, कुवैत ने, सऊदी अरब ने हमारा हाथ मदद की, अमरीका ने नहीं। अमरीका निकल गया, ठीक है, अमरीका निकल गया। जब उसकी वजह क्या है, इसमें एक बड़ा बारीक नुकता जी। कोई भी शख्स गुरु नानक भी तो हित पे, गुरु नानक के खुदा पे यकीन है, वो रब कहते हैं। आपने देखा सिख वो रब कहते हैं। अब आ गया पाकिस्तान, ठीक है, कराची इलेक्शन। पाकिस्तान में जनाब कोरोना पे मैं बात मुकम्मल, चलें मुकम्मल कर लेते फिर चलते हैं। कोरोना पे $10 में मिल रही थी स्पुतनिक, $10 में नहीं ली, मतलब कि 720 रुपये दी खैरात का इंतजार किया। बहुत ज्यादा मैं सख्त लफ्ज नहीं इस्तेमाल, बहुत ज्यादा कफायत शाह हुक्मरान अच्छे नहीं। आदत हो गई हमें खैरात की। हाँ जी, आदत हो गई। आदत क्या, एडिक्शन हो गई। अमरीकी मदद पे पलते रहे, अब चीन की तरफ देखते हैं। ओ भाई, कौम है दुनिया में, कभी किसी कौम ने दूसरी कौम पे बल पर तरक्की की है? बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। वो दुनिया में एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के बल पर तरक्की नहीं करता।
वेरी रेयर एग्जाम्पल है कि खानदान में कोई आदमी हो अपने खानदान वालों की मदद कर दे। कुछ लोग हैं, हम पे बड़ा दबाव है फौजी अड्डों का, फौजी अड्डों के लिए देने चाहिए। कश्मीर के लिए भी दबाव है कि इसमें कोई कंपेन बिल्ड न करें, ये भी दबाव है कि तालिबान पे प्रेशर डालें। अब यानी 20 साल तो आप उनकी अखलाकी मदद करते रहे तालिबान की और कश्मीरियों की भी मदद करते रहे, जब फैसला कुन वक्त करीब आ रहा है तो इंडिया से मुज़ाकरात करें और जनाब कश्मीरियों को भूल जाएं और तालिबान को भी भूल जाएं। वैसे तो तालिबान से आने से स्टेबिलिटी नहीं आएगी जब तक कंसेंसस ना हो। जो अब हुकूमत में ऐसी बड़ी लॉबिंग हो रही है कि छोड़ो जी तालिबान को, छोड़ो कश्मीरियों को, छोड़ो अमन की हमें जरूरत है, हमारी इकोनॉमी खराब है। अजीबो गरीब बात है भाई, अड्डे ले दे सकते ही नहीं है, अड्डे कौन दे सकता है? अगर दे या ना दे दोनों में क्या होगा? नहीं खरीद सकते, चीनी खरीद नहीं सकते तो अड्डे कैसे दे सकते हैं? वो इतनी बड़ी तहरीक उठेगी कुछ सोच नहीं सकता, वकला की तहरीक जैसी तहरीक उठ खड़ी होगी, फिर क्या करेंगे? ये तो बचाना बातें हैं भाई। मतलब वहाँ उसमें क्या में अमन के लिए तो पाकिस्तान की प्रायोरिटी है और सही प्रायोरिटी है, वहाँ हर कोशिश करनी चाहिए, लेकिन तालिबान को क्यों प्रेशर डालेंगे? ये बड़ी लॉबिंग हो रही है आजकल। ये जो इकबाल ने कहा था ना, अकल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल, ये अकल के जो गुलाम है इन्हें नहीं पता लॉन्ग टर्म इसके नतायज क्या हो सकते हैं। वो बमबारी हुई थी तो उसका नतीजा क्या निकला था? पख्तूनख्वा में एमएमए आई, मुत्तहिदा मजलिस अमल, और वो टेररिज्म फैला, खुली छुट्टी दे दी, रेडियो चल रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है अभी, और यानी सवाद के हेडक्वार्टर में सरेआम फांसियां दी जा रही हैं, 60,000 आदमी कत्ल हो गए। तो अभी अकल नहीं आई, अभी समझ नहीं आई कि कौम की इज्तमाई उमंगों को नजरअंदाज करके कोई फैसले नहीं किए। सही, पाकिस्तान में यह है कि सबसे ज्यादा तो यानी तादाद तो पंजाब में है, लेकिन इन फैक्ट तनासब आबादी का मलहूज रखा जाए तो पख्तूनख्वा, उसकी वजह पख्तूनख्वा का कल्चर है जो बहुत अच्छा है, यानी उस कल्चर में कोई बुराई नहीं है, यानी गले मिलते हैं, मुसाफा लाजमन करते हैं, पुरजोश है मुलाकातों में, मेहमान नवाजी बहुत है, खाने की तकरीबात होती हैं, एक बर्तन में सारा खानदान बहुत सी जगह पर देहात में खाना खाता है, दोस्त भी एक बर्तन में खाना खाते, जो कि बहुत ही एक यानी शानदार रवायत है, लेकिन इस वक्त नहीं। ये पंजाब में भी ये सूरत हाल है किसी न किसी हद तक। लेकिन हारून साहब, प्रशिद साहब भी तो सच्चे इस बात में कि हमारे पास पैसे नहीं है कोरोना की वैक्सीन के लिए भी और सफाई कार्य के लिए भी। हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम 150 अरब रुपए यानी बावजूद है, वैसे तो पैसे इसलिए नहीं है कि हम टैक्स नहीं देते, FBR को छेड़ने की तो किसी में हिम्मत ही नहीं है ना, आधे पैसे तो FBR की वजह से खाली ही जाते हैं ना। और जो साथ आ हमारे अजीज मोहतरम दोस्त असद उमर साहब, जिनमें वैसे कोई खराबी नहीं है, बड़े अच्छे आदमी हैं, वो कहते 700-800 अरब रुपए जाए उधर है, कोई बात नहीं, स्टेट इंटरप्राइज को प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। सो गाइस, ऐसी वीडियो पाक मीडिया ने जो इंडिया के सिख ने उन्होंने तारीफ की है, क्योंकि उन्होंने जो गुरु नानक साहब की जो प्रथा सी लंगर की उन्होंने अगे बधाते हुए ऑक्सीजन के लंगर लगाए ने, ते बड़े लोगों की जान बचाई है। लंगर तो बिल्कुल चल ही रहा है, कोविड का फर्स्ट लहर जो आई थी उदो भी, तो सैकेंड लहर आई तो भी, और उस तो बाद जो घाट पई है तो ऑक्सीजन की तो उन्हें भी लंगर लाए। अगे किसी भी तरह की अगर किसी भी तरह की घाट पेगी किसी भी चीज़ की, तो परमात्मा सिखां को इन्ना बल जरूर बख्शेगा कि वह दूसरे की मदद करने वास्ते सब तो पहले अगे आ। बिल्कुल सही गल है, हर वारी इदा ही होंगे। सो असी परमात्मा का शुक्र करते हैं कि उन्होंने सानू इन्ना बल बख्शे सिख कम्यूनिटी नू। ते गाइज यही पाक मीडिया भी साडे कम्यूनिटी बारे उन्होंने थोड़ा पुशअप कर रहे सन। तो जिहड़े आ बजुर्ग ने, इन्हां दा नाम मैं भुल गया, नाम स्टार्टिंग विच लिया सी, ते इन्होंने गल की कि अमरीका भी भज गया सी, बाकी जिहड़े अरबियन कंट्रियां ने उन्होंने इंडिया दा साथ दित्ता, ऑक्सीजन भेजी ते अमरीका भज गया, ते जिहड़े वड्डे बंदे सन ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਸੱਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਉਹ ਕਹਿਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੈਗਾ ਕਾਬਿਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। उन्होंने बोलिया कि साडा मुल्क खैरात ज्यादा मतलब उन्दे विच ज्यादा विश्वास रखता है। 720 रुपये मतलब कि $10 की उदो स्पूतनिक दवाई सी,
ते जो 72 रुपए डॉलर इंडिया दे 720 बनदे ने ना, 720 ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਬਣਨਗੇ, ਹਾਂ ਜਿਆਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ 1500 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣਨਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਿਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿੰਦੇ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਜੋ ਇਹਦਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਜ਼, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚ ਗਈ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਓ, ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੈਪ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।